हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी नदान दोस्त भाग 1 कार्य पत्रक यानी वर्कशीट नंबर 8 को करेंगे, जिसकी तिथि है 20 अक्टूबर 2020। तो ये जो हमारा गद्यांश या पैराग्राफ लिया गया है, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, वह जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसके पार्ट 3 से लिया गया है। इस कहानी का नाम है नादान दोस्त और यह है कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, यानी इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। जैसा आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केसर और श्यामा भी अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं। तो केसर और श्यामा दो बच्चों का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं। केसर और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्हें किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जाने। तो इस कहानी में पढ़ेंगे केसर और श्यामा के दोस्त कौन है और अगर आपके भी कोई दोस्त हैं तो हमें उनकी कैसे मदद करनी चाहिए। तो कहानी है हमारी नादान दोस्त और उसका ये पार्ट 1 है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो कार्निस क्या होता है, जो दीवार होती है हमारी घर में, दीवारें जो होती है उसको थोड़ा सा और अच्छा सुंदर दिखाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा एक हिस्सा बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो दीवारें हैं उनको सुंदर दिखाने के लिए उन्हें कुछ डिजाइन बना के थोड़ा सा जो है भाग बाहर की तरफ निकाल देते हैं, उसे कार्निस कहते हैं। तो केशव का जो घर कार्निस था यानी दीवार की कंगनी भी जिसे कहते हैं, एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव और उसकी बहन का नाम क्या है, श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। तो जहां पे चिड़िया का घोंसला था वहां पे हर रोज चिड़िया आती जाती रहती थी। केशव और उसकी श्यामा बहन दोनों उस चिड़िया को देखते रहते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते, यानी सुबह उठते ही वो क्या करते, कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते और जो घोंसला था वहां पे चिड़ा और चिड़िया जिनका वो घोंसला था वहां पर बैठे उनको देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दूध और जलेबी श्यामा और केशव को बहुत पसंद है, लेकिन सुबह उठते ही उन्हें घोंसला देखना होता था। इतनी रुचि थी उस घोंसले में कि वो अपने दूध और जलेबी को भी नहीं सोचते थे कि दूध और जलेबी मिलने वाली है। उनको दूध जलेबी से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें सिर्फ घोंसला देखना था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। उस घोंसले को देख के दोनों के मन में बहुत सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, जो अंडे हैं उस घोंसले में वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे यानी अंडों का रंग कैसा होगा, कितने होंगे यानी कि अंडे की गिनती कितने होगी, 1 2 4 6 5 कितने अंडे होंगे, क्या खाते होंगे यानी कि जो अंडे हैं वो क्या खाते होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे यानी अंडों से जो चिड़िया के बच्चे निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। ऐसा क्यों? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, यानी कि जो उन बच्चों की अम्मा थी वो अपने काम धंधों घर के जो काम काज में बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी, न बाबू जी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इनके बच्चे आपस में सवाल जवाब कर लेते, एक सवाल करता दूसरा जवाब दे देता, इसी तरह अपने दिल को तसल्ली दे देते थे क्योंकि उनके अम्मा और बाबूजी के पास उनके लिए समय नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। तो श्यामा ने अनुमान लगाया कि अरे बच्चे तो अंडों से निकलते ही उड़ जाएंगे। लेकिन केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहा, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। तो केशव ने श्यामा को कहा, नहीं, अंडे जब अंडों से बच्चे निकलेंगे पहले उनके पर निकलेंगे, उसके बाद ही वो उड़ पाएंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारे? श्यामा कहते कि बच्चों को क्या खिलाएगी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था, यानी ये जो मुश्किल सवाल था, पेचीदा सवाल था, इसका जवाब केशव के पास नहीं था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बर दिन बढ़ती गई। जिज्ञासा मतलब कुछ भी जाने की इच्छा जो है बढ़ती गई कि अंडों का क्या होगा, घोंसले का क्या होगा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, अधीर माने क्या, परेशान हो उठते कि नहीं हमें देखना है, अंडों का भी देखना है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे, यानी 3-4-5 दिन हो गए तो उन्होंने अनुमान लगाया अब तो अंडे से जो है बच्चे निकल ही आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी कि जो बच्चे निकलेंगे अंडों से, उन्हें लगा कि चिड़िया तो छोटी सी है, वो इतने सारे बच्चों को खाना कैसे दे पाएगी, चिड़िया बेचारे इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके।
गरीब बच्चे भूखे मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। तो वो घबरा उठे कि कहीं भूख के मारे अंडे से जो बच्चे निकलेंगे वो मर ना जाएं। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना जो है रख देंगे, जो चिड़िया अपने बच्चों को खिला देगी। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कार्निस जो बताया था दीवार की कंगनी, विद्वान समझदार, पेचीदा कोई चीज जो मुश्किल होती है, जिज्ञासा यानी किसी को जानने की इच्छा, और अधीर माने परेशान हो उठना। अब हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हम उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो उनके मन में क्या क्या सवाल थे, अंडे कितने बड़े होंगे, अंडों का रंग क्या होगा, कितने अंडे होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, और घोंसला कैसा है। तो इस तरह के सवाल जो है केशव और श्यामा के मन में उठते थे। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। क्योंकि हमें पता है कि केशव और श्यामा के अम्मा और बाबूजी को उनके सवालों का जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि केशव और श्यामा की अम्मा जो है घर के काम धंधों में और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। इसलिए दोनों भाई बहन ही आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि कोई और नहीं था जिनसे वो सवाल कर सके और उनका जवाब उनको मिल सके, इसलिए वो आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे। तो श्यामा ने अनुमान लगाया था कि जैसे ही अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे वो उड़ जाएंगे, लेकिन केशव ने कहा था नहीं, पहले बच्चे जब अंडे से निकलेंगे उनके पर निकलेंगे उसके बाद वो उड़ पाएंगे। उसके अलावा उन्होंने अनुमान लगाया था क्योंकि चिड़िया बहुत छोटी है और वह अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएगी और उसके बच्चे जो है चिड़िया के बच्चे वो मर जाएंगे। तो कुछ अनुमान थे जो केशव और श्यामा ने लगाए थे। चौथा क्वेश्चन है, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। यानी कि ये तो केशव और श्यामा ने जो जो अनुमान लगाए थे, अगर उनकी जगह आप और आपके मित्र होते तो क्या करते। अगर केशव और श्यामा की जगह मैं और मेरा मित्र होता तो हम दोनों अनुमान लगाते कि चिड़िया के बच्चे कैसे होंगे, रंग बिरंगे होंगे। देखो रंग बिरंगे नहीं होते चिड़िया के बच्चे, आपको भी पता है, लेकिन अनुमान लगाते। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे तो कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। तो चिड़िया के बच्चे रंग बिरंगे होंगे, वह अंडों से निकलते चींची करेंगे और अपनी माँ को बुलाएंगे, जो उनकी चिड़िया माँ है उनको बुलाएंगे। और हम क्या करेंगे, अगर हम मैं और मेरा दोस्त होते तो हम क्या करते, उन बच्चों के लिए दाने और पानी का इंतजाम करते। पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा हुई, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता। देखो अगर सर्दी होती तो बहुत ठंडा मौसम होता और बहुत ठंडे मौसम में आपको भी पता है कि छोटे बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। सर्दी के दिनों में हवा बहुत ही ठंडी होती है जिसके कारण चिड़िया के बच्चों के बीमार होने की संभावना ज्यादा होती, और अगर बरसात होती तो चिड़िया के घोंसले में पानी जा सकता था और उसमें डूबकर बच्चे मर सकते थे। तो बरसात के दिनों में चिड़िया के घोंसले में पानी भर सकता था और चिड़िया के बच्चे उसमें डूब कर मर सकते थे। तो ये हमने जो है बरसात और सर्दी के मौसम का अंदाजा लगाया। आप अपनी तरफ से कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी और बरसात के दिन होते तो क्या क्या हो सकता था। इस तरह चौथे क्वेश्चन में भी आप और आपके दोस्त तो क्या क्या अनुमान लगाते अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट, आपको आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।